हेलो फ्रेंड, रियल टाइम सिस्टम के कोर्स की प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल के बारे में कि रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल क्या होता है और ये किस तरह से वर्क करता है इन रियल टाइम सिस्टम के अंदर। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर बात करें रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल, तो ये क्या करता है, प्ले करता है एक क्रिटिकल रोल इन रियल टाइम सिस्टम के अंदर, एक तरह का क्रिटिकल रोल प्ले करता है रियल टाइम सिस्टम के अंदर एंड प्रोवाइड करता है एक मैकेनिज्म जो गारंटी द अवेलेबिलिटी ऑफ द सिस्टम रिसोर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ रियल टाइम टास्क। मतलब कि एक तरह से ये गारंटी देता है कि जो भी अवेलेबल है सिस्टम रिसोर्स, जिस समय क्या करते हैं रियल टाइम सिस्टम के अंदर किसी भी टास्क को हम एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, अगर हमारा कोई रियल टाइम सिस्टम है, ठीक है, अब उसके अंदर मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूट हो रहे हैं, जब मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूशन अपना कंप्लीट कर रहे हैं तो उस समय ये क्या करता है कि एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जो बताता है कि कौन सा सिस्टम रिसोर्स अवेलेबल है, ठीक है, कौन सा सिस्टम रिसोर्स अवेलेबल, इस चीज को डिफाइन करने का काम करता है। जो रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में आरआरपी के नाम से हम जानते हैं, इसका यूज रिजर्व सिस्टम रिसोर्स सच एज सीपीयू टाइम, मेमोरी एंड नेटवर्क बैंडविड्थ टू इंश्योर दैट द रियल टाइम टास्क मीट दियर टाइमिंग एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट को प्रोवाइड करने का काम करता है। तो मतलब जो रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल होता है सिस्टम को रिजर्व करता है। जैसे सिस्टम रिजर्व करने वाले क्या क्या चीजें हो जाती हैं, जैसे सीपीयू के टाइम को रिजर्व कर लेता है, मेमोरी को रिजर्व कर लेता है, नेटवर्क की बैंडविड्थ को रिजर्व कर लेता है, और ये बताता है कि जो भी कंप्यूटर सिस्टम, मतलब जो भी हमारा रियल टाइम है उसकी रिक्वायरमेंट, जो भी टाइम की रिक्वायरमेंट है, परफॉर्मेंस, इन सारी चीजों को अवेयरनेस कराने का काम करता है। हियर आर द सम एग्जांपल ऑफ रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल यूज्ड इन रियल टाइम सिस्टम। कुछ यूज होने वाले हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या कर रहा है कि टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस क्या करता है, एक तरह का यूज इन कम्युनिकेशन नेटवर्क टू एलोकेट टाइम स्लॉट डिफरेंट डिवाइस टू ट्रांसमिट दियर डेटा, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जो टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है, इसको शॉर्ट फॉर्म में TDMA के नाम से जानते हैं, और ये क्या करता है कि जो भी रियल रिसोर्स रिजर्वेशन सिस्टम, रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल है, उसमें जो भी कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है उनमें क्या करता है, टाइम स्लॉट डिफरेंट करता है। मतलब अगर कोई भी टाइम है तो उसको क्या करता है, टाइम स्लॉट में डिवाइड कर देता है, एक टाइम को डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है जो भी ट्रांसमिट डेटा होने वाले, ठीक है। और टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस क्या करता है, इंश्योर करता है जितनी भी डिवाइस है हैज द रिजर्व टाइम स्लॉट ड्यूरिंग, उनके पास क्या हो कि एक रिजर्व टाइम स्लॉट हो, जब वो क्या करें, विच कैन ट्रांसमिट द डेटा विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर डिवाइस, जब किसी अदर डिवाइस के बिना इंटरफेरेंस के डेटा का ट्रांसमिशन करती है उस समय। मतलब जब एक कंप्यूटर सिस्टम दूसरे कंप्यूटर सिस्टम को डेटा भेजना चाहता है और तीसरा कंप्यूटर सिस्टम डेटा भेज रहा है, तो बिना इन सारी चीजों के हुए, ठीक है, वो क्या कहता है, टाइम, एक टाइम स्लॉट में, मतलब क्या कह रहा है कि अगर जैसे यहाँ पे 2 मिलीसेकंड्स है, ठीक है, 2 मिलीसेकंड्स यहाँ, 2 मिलीसेकंड्स यहाँ, 2 मिलीसेकंड्स यहाँ, एक टाइम डिवीजन हो गया है कि मतलब इतने 2 मिलीसेकंड्स तक एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को ट्रांसमिशन, डेटा का ट्रांसमिशन कर सकती है, ठीक है। तो अगर ए बी को डेटा भेजती है 2 मिलीसेकंड्स, उसके बाद क्या होगा कि इनका कम्युनिकेशन हम तोड़ के बी से सी का बनाएंगे, सी जब जो भी प्रायोरिटी के बेस पे होगा उसके अकॉर्डिंग इनको हम इंश्योर करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कोलिजन होने के कोई चांसेस नहीं होते और डेटा बिना इंटरफेरेंस के वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस शेयर होता है। रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या रहा है कि यूज करता है आईपी नेटवर्क्स यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज करता है जो भी रिजर्व डेटा होता है, ठीक है, स्पेसिफिक फ्लो के लिए यूज करता है, और कह रहा है कि ये प्रोवाइड करता है क्वालिटी ऑफ द सर्विस गारंटीड फॉर द रियल टाइम मल्टीमीडिया एप्लीकेशन बाय इंश्योर दैट नेटवर्क रिसोर्स एंड रिजर्व फॉर दीज एप्लीकेशन, इन एप्लीकेशन के लिए क्या करता है, नेटवर्क को रिजर्व करने का काम करते हैं। प्रायोरिटी इनहेरिटेंस प्रोटोकॉल के बारे में अगर हम बात करें, जो प्रायोरिटी इनहेरिटेंस प्रोटोकॉल है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में PIP के नाम से जानते हैं। PIP क्या करता है कि जो भी रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल होता है यूज इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिवेंट करता है प्रायोरिटी इन्वर्सन। प्रायोरिटी इन्वर्सन क्या होता है कि जब किसी भी हाई प्रायोरिटी वाले टास्क को ब्लॉक हो जाता है किसी लोअर प्रायोरिटी वाले टास्क को, तो वहां पे हम उसको प्रायोरिटी
इन्वर्शन कहते हैं। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है, मतलब अगर कोई भी शेयर रिसोर्स है, ठीक है, अगर हम मान लें यहाँ पे कोई पे हमारे पास शेयर रिसोर्स है, अब इसका कोई लो प्रायोरिटी वाला टास्क एक्सेस कर रहा है पहले से, ठीक है, और हाई प्रायोरिटी वाला टास्क आए और ये ब्लॉक हो, ठीक है। हाई प्रायोरिटी वाला टास्क क्या होता है कि ब्लॉक होता है, लो प्रायोरिटी वाला टास्क जब किसी भी रिसोर्स का यूज करता है तो वहां पे प्रायोरिटी इन्वर्शन होता है। तो इस चीज को प्रायोरिटी इनहेरिटेंस प्रोटोकॉल में इन सारी चीजों हम देखते हैं और कह रहा है कि जो पीआईपी इंश्योर दैट करता है कि जो भी इनहेरिट्स है द प्रायोरिटी ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क वेटिंग फॉर द रिसोर्स इज होल्डिंग, ठीक है, वेट करता है। और उसके बाद अगर हम ईडीएफ एल्गोरिथम के बारे में पढ़ लिए, अर्लीएस्ट डेडलाइन फर्स्ट एल्गोरिथम के बारे में, क्या करता है, एक तरह का शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होता है जो यूज करता है रियल टाइम सिस्टम के अंदर शेड्यूल टास्क बेस्ड ऑन दियर डेडलाइन, ठीक है। जो भी शेड्यूल होते हैं उनको हम उनके डेडलाइन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, प्रायोरिटी डिफाइन करते हैं और एग्जीक्यूशन को प्रोवाइड करते हैं। तो एडीएफ एल्गोरिथम इंश्योर करती है जो भी टास्क विद द अर्लीस्ट डेडलाइन इज शेड्यूल्ड फर्स्ट इंश्योर दैट ऑल टास्क मीट दियर डेडलाइंस, ठीक है, जितने भी टास्क हैं वो मीट हो अपने डियर डेडलाइन से और एग्जीक्यूशन उनका कंप्लीट हो। जैसे रियल टाइम एप्लीकेशन की हम बात कर ले, रियल टाइम एप्लीकेशन होगा, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो क्या करता है रिजर्वेशन रिक्वेस्ट भेजता है, उसके बाद वहां से रिजर्वेशन का रिस्पॉन्ड आता है, उसके बाद डेटा पैकेट विद द रिजर्वेशन के साथ हम का ट्रांसमिशन कर सकते हैं, डेटा का ट्रांसमिशन कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें रिजर्वेशन प्रोटोकॉल जो होता है आर एसेंशियल फॉर इंश्योर दैट द टाइमिंग एंड रिलायबल एजुकेशन एग्जीक्यूशन, ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ द रियल टाइम टास्क इन रियल टाइम सिस्टम द चॉइस ऑफ द रियल टाइम रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल डिपेंड ऑन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम इंक्लूडिंग द टाइप ऑफ रिसोर्स बीइंग रिजर्व एंड द टाइमिंग परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट एंड द रियल टाइम टास्क, ठीक है। तो ये सारी चीजों को हम देख सकते हैं रिसोर्स रिजर्वेशन सिस्टम के अंदर, किस तरह से हम किसी भी रिसोर्स को रिजर्व करके किसी भी डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं, क्या क्या सारी चीजें होती हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू, बाय बाय गाइस।